तव कथामृतम्। जब कभी कभी कई लोग कथावाचकों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि अरे ये तो धंधा करते हैं, ये तो नाटक करते हैं, पैसा कमाने का साधन है, उस समय कभी दिल को दुख होता है तो बस मुझे ये श्लोक याद आता है। और इस श्लोक को याद आती मन में एक बल आ जाता है कि अरे तुमको किसी की सुनने की क्या आवश्यकता, गोपी कह रही है, गोपी ने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया गोपी ने? गोपी कह रही तब कथामृतम तप्त जीवनम, कैसी है आपकी कथा? अमृत के समान, आपकी कथा अमृत के समान है। श्रवण मंगलम, इस कथा को तो सुनने से ही मंगल हो जाता है, और चीजों में तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। गंगा स्नान के लिए आपको ट्रेन बुक करनी पड़ेगी, फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, धन देना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, आपको दान करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, यज्ञ करने के लिए भी आपको धन आदि समर्पित करना पड़ेगा। लेकिन कथा तो श्रवण मंगलम, केवल सुनो और बेड़ा पार। आज तक ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जो केवल सुनने से आपका बेड़ा पार कर दे। लोग कहते हैं आचरण करो, ठीक है आचरण करना चाहिए कथा का, पर गोपी तो कह रही है श्रवण मंगलम, आचरण तो बात की बात है, सुनोगे भी तो भी ये भागवत ये कथा आपको भगवान से जोड़ देगी। श्रवण मंगलम, अगर आचरण से ही मंगल होता तो गोपी आचरण मंगलम कहती ना, श्रवण मंगलम क्यों कहा? श्रवण मंगलम श्री मदाततम। और अंत वाली लाइन जो मैंने आपको कहा ना कि बल मिल जाता है, और वो लाइन ये है भूई गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती इस दुनिया में बहुत दानी है, कोई धन का दान करता है, कोई कपड़े का दान करता है, कोई किसी वस्तु का दान करता है, पर इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी वो है जो भगवान के नाम का दान करता है, भगवान की कथा का दान करता। तब मन में लगता है अरे वाह, चलो गोपी ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि भूरिदा जना, जो भगवान की कथा बांट रहे हैं ये सबसे बड़े दानी हैं। कथा जहां होती है ये भी एक प्रकार की चैरिटी है। आप कहोगे चैरिटी कैसे, चैरिटी में तो गरीबों को अन्न बांटना पड़ता है, कपड़ा बांटने पड़ते, यहाँ क्या बांट रहे हो हमको, हमको थोड़ी पैसा दे रहे। अब तक आपके 40 आयोजन हो गए, बताइए किसी आयोजन में आपको पैसा बांटे गए हों? क्या ये हजार हजार रुपया घर ले जाइए, फिर किस बात की चैरिटी है? बोले अगर यहाँ पानी बांटा जाता तो पानी ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में एक दिन रहेगा, अगर यहाँ भोजन बांटा जाता तो भोजन ज्यादा से ज्यादा विज्ञान कहता है 3 दिन आपके शरीर में रहेगा, लेकिन जो बातें यहाँ बांटी जा रही हैं ये मरते दम तक हमारे साथ रहने वाली है, और इसी जन्म नहीं हर जन्म साथ चलने वाली है। तो चैरिटी तो है भूरी दाजन, लेकिन फिर गोपी कहती है
दुनिया को सावधान करने के लिए कि सावधान सावधान सावधान। ये कथा करने वाले चालाक भी बहुत होते, क्यों बोले अपना झोला टांग के कंधा पे सारी गली में हल्ला मचाते मचाते घूमते हैं, आओ 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 हमारी कथा में आओ, ठाकुर की कथा सुनो, भागवत सुनो। तो सामने वाला पूछता है कि सुनने तो आ जाएंगे पर क्या पैसा लगेगा? बोले नहीं नहीं फ्री, एकदम फ्री, निशुल्क, कुछ नहीं लगने वाला, उल्टा सुन के जाओगे तो प्रसाद और मिलेगा, एकदम निशुल्क, आ जाओ बस कथा सुन के चले जाओ। बोले भाले लोग बेचारे फ्री के चक्कर में झांसे में आ जाते हैं, आ गए कथा में, और यहाँ आकर के टेढ़ी टांग वाले ने ऐसा पकड़ा, उसकी कथा ने ऐसा पकड़ा कि बस फिर गए काम से। इसलिए गोपती कहती है सावधान, इनसे बड़ा खतरा है, संभल के चलना, ये फंसाएंगे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। आ जाओ कथा सुनो, बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये बड़ा पका हुआ रस से भरा हुआ फल है, मीठी मीठी बातें कहेंगे। मैंने एक दिन पहले कहा था ना, कोई अपनी छाछ खट्टी थोड़ी बताता है। जो भी जो वस्तु बेकेगा उसकी बड़ाई करेगा, चाहे वो कितनी भी बेकार हो। कपड़ों की दुकान पे चले जाओ, वो जो साड़ियों वाली दुकान होती है, मैया पहुंच जाए तो बस फिर तो देखो, बहन जी ये रंग आप पे बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें तो आप एकदम हीरोइन लगेंगी। अब बहन जी बिचारी चाहती है अच्छी दिखूं, अच्छा ऐसी दिखूंगी, अच्छा ठीक है चल पैक कर दे। सब अपनी चीज को बढ़िया बताते। एक आदमी जोर जोर से गली में खरबूजे बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो सबको लगा रहे वाह बड़े मीठे होंगे, और खरबूजा मीठा मिलना बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक आदमी आया बोला ला भाई साहब दे दो एक किलो। उसने लिया, काटा, उसको खाया तो बिल्कुल मीठे नहीं थे। तो उसने जाकर के कहा कि आप तो कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठा नहीं। बोले हम ये कह रहे थे कि खरबूजे मीठे नहीं, खरबूजे में शक्कर लगाओ तो शक्कर से लगा के खाओ तो मीठे लगे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो सबकी अपना अपना प्रोडक्ट बेचने की अलग अलग कलाएं होती है। एक बार हम बहुत पहले कईयों साल पहले ट्रेन में जा रहे थे, तो एक आदमी चाय बेच रहा था, तो जो चाय बेचता है ट्रेन में तो वो कहता अदरक वाली मसाले वाली फलानी ऐसी ऐसी, पर वो कह रहा खराब चाय ले लो, खराब चाय ले लो, खराब चाय ले लो। अब जब ऐसी बात कान में अजीब बात पड़ती है तो आदमी का ध्यान तो एक बार जाएगा, भले वहां से कितने भी चाय वाले निकल जाए ध्यान नहीं जाएगा, पर जब वो जो कह रहा खराब चाय ले लो, खराब चाय ले लो, तो ध्यान जाएगा, भैया दिखा कैसी है तेरी खराब चाय। तो सबका बेचने का ढंग निराला है, लेकिन ये केवल भागवत हम कह रहे हैं इसलिए कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। सुखदेव जैसा महात्मा आपने कल सुना, जिसको शरीर पर एक लंगोटी का भी ध्यान नहीं रहता था कि मैंने पहनी है कि नहीं पहनी है, उसने जब भागवत के दो श्लोक सुने तो अपने आप को रोक नहीं पाए, शरीर में एकदम रोमांच हो गया, हड़कंप मच गया, अरे कौन है ये इतना सुंदर आदमी, बरहा पीडम नट, कौन है ये, कौन है ये जिसने अपने शत्रु को भी मां के जैसी गति दे दी, कौन है ऐसे स्वभाव वाला। चित्त चुरा लिया भागवत के श्लोकों ने सुखदेव जी का।